देश ने पीएम मोदी के कोरोना से लड़ाई की इस मुहिम में उनके साथ खड़े हुए और उनके कथा अनुसार दीपक जलाए। मुंबई के भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तजिंदर सिंह तिवाना ने भी पीएम मोदी के इस मुहिम में खुद को शामिल करते हुए अपने घर पर परिवार के साथ दीपक जलाए और तिरंगा लहराते हुए भारत माता की जय के नारे भी लगाए। देखिए, आज जो हमारे माननीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 120 करोड़ जनता से आह्वान किया कि कोरोना महामारी से जो अंधकार फैला है पूरे देश में, तो उसको जागरूक करने के लिए सभी को दीप प्रज्वलित करना बहुत ज़रूरी था। तो उसका पालन करते हुए मैंने और मेरे परिवार ने आज हमारे घर के टेरेस पर हमने दीप प्रज्वलन किया और साथ में हमने टॉर्च और लाइट के माध्यम से देश के तिरंगे को लहराते हुए आस पड़ोस के सभी देशवासियों के साथ, सभी रहवासियों के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। देश से क्या आप अपील करना चाहेंगे, जिस प्रकार से इतनी अपील के बाद भी कुछ लोग हैं जो बाहर रहते, तो आपकी तरफ से क्या अपील होगी जनता से? मैं जनता से, खास करके युवाओं से ये अपील करता हूँ कि हम सब समझ सकते हैं कि कठिन समय है, आप सभी को रोज़गार और रोज़ बाहर जाने की आदत है, घर से कुछ ना कुछ काम करने की आदत है, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस और आपके परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एक आपकी गलती, एक चूक उनको तकलीफ़ दे सकती है, ये ज्ञात रखते हुए आपको हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी और देश के WHO और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से जो आदेश आए उसका पालन सभी देशवासियों को करना चाहिए। और उसका पालन करते हुए मुझे पूरा यकीन है कि हम सब मिलकर एक साथ ये कोरोना महामारी को लड़ेंगे और कोरोना महामारी से लड़के हम सब पूरे भारत को जीत दिलाएंगे। भाजपा युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष के होते हुए आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, तो उस प्रकार आप किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का मदद कर पा रहे, क्योंकि ये बहुत ही जो स्थिति है इस समय बहुत ही लोगों के लिए काफ़ी भारी पड़ रही है, लॉकडाउन के बीच है लोग और काफ़ी सारी दिक्कतें हैं लोगों के। देखिए मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 17 मार्च से ही मुंबई के सभी 36 विधानसभा में युवा मोर्चा ने 36 कोऑर्डिनेटर्स ऐसे बनाए, जो कस्तूरबा हॉस्पिटल से लेकर लोकल BMC MOH से लेकर लोकल पुलिस स्टेशन से लेकर वार्ड ऑफिसर से लेकर सभी कोऑर्डिनेशन, अगर कहाँ पे कुछ पेशेंट आपको हमको डिटेक्ट होता है तो कैसे BMC के माध्यम से उसको कस्तूरबा हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, इसके साथ साथ कई जगह पर एम्बुलेंस सर्विस, खाने के माध्यम से, मतलब जो जो गरीब गौर जो हमारे होमलेस है और जो डेली वेज अर्नर्स है उनके लिए युवा मोर्चा खास करके घर पर राशन पहुंचाने का, और कई जिलों में हम मुंबई के रोज़ उनको सुबह और शाम खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा माध्यम युवा मोर्चा का लोगों तक पहुंचने का ये है कि सैनिटाइजेशन, हमने पूरे मुंबई में 36 मशीन 36 विधानसभा में युवा मोर्चा लगा हुआ है, कोई हर सोसाइटी हर स्लम से उन्हें कॉल्स आते हैं और वो स्वयं अपनी टीम के साथ युवा मोर्चा अपनी पूरी सेफ्टी के साथ में अपने गियर पहनकर एरिया में हर बिल्डिंग हर स्लम को सैनिटाइजेशन करने का काम कर रहा है।